हेलो एवरीवन, आज एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और मस्ती की बात यह है कि ये व्लॉग बहुत पुराना है, मुझे आज मिल गया तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है 25 दिसंबर का व्लॉग और मेरे बेटे का बर्थडे होता है और कई दिनों से मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ किसी वजह से। लेकिन अभी मैं तक्ष की दादी के घर आ गई थी, तक्ष का बर्थडे मनाने के लिए। हम दादी के घर ही बर्थडे मनाते हैं हर साल। और मैं यहाँ आ गई थी और देखिए तक्ष को बैनी कॉलर मिल गया, दादी ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया है। इसके पास सब कुछ था, बस एक यही खिलौना नहीं था, वो भी इसने ऑर्डर कराई दिया अपनी दादी से। और यहाँ पर बर्थडे तैयारी चल रही है, गुब्बारे जो वगैरह वो जो होते हैं बलून्स वो ब्लो कर रहे हैं सारे लोग मिलके। और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है, तो नाश्ते में मैंने मंगाया है चॉकलेट, रसगुल्ले और यहाँ पे है क्या बोलते हैं इसको, ढोकला। तो ये था नाश्ते का। और मेरी हालत देख लीजिए कैसी हो रखी है, मैं काम कर रही हूँ किचन में। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, तो यहाँ पे केक लगा दिया है हमने तक्ष का। और तक्ष की दादी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वहाँ मेरी मम्मी बैठी हुई है कोने में। काफ़ी सर्दियों के दिन था, 25 दिसंबर को बहुत सर्दी थी। है तक्ष के फेवरेट पिकाचू वाला उसका केक, और यहाँ पे केक की रेडी हो चुका है, बस अब केक कट करेंगे हम लोग। और तक्ष मस्ती कर रहा है अपना आराम से। और यहाँ पे दादा दादी, यहाँ फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई है। केक कट चुका था, वीडियो मेरे पास नहीं थी, स्किप कर दिया मैंने उसको, सॉरी उसके लिए। लेकिन जो भी है मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे को तक्ष का बर्थडे बहुत स्पेशल होता है मेरे लिए। और केक दोबारा मैंने रख दिया है यहाँ पे, और बस यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी है और केक वाली वीडियो मिल गई थी तो मैंने चलो शेयर कर दिया आपके साथ। और यहाँ पे तक्ष ने ब्लो कर दिया है और यहाँ मुझे देख सकते हैं मैं कितनी हेल्दी लग रही हूँ। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या वजह थी मेरी ब्लॉगिंग कम करने की और क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ एक साल के अंदर अंदर, और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं, अभी मेरी दवाई चल रही है तो मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। व्लॉगिंग के लिए ये होता है कि आपको रोज़ व्लॉग बनाना होता है, रोज़ उसको अपलोड करना होता है। तो चलिए, यहाँ पे खुशियों की बात चल रही है तो खुशियाँ ही मनाते हैं। तो यहाँ पे केक कट चुका है और तक्ष दादा मस्ती कर रहे हैं, तक्ष खुद केक खा रहा है, किसी को नहीं खिलाया उसने केक। और यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही है, हमने फोटोग्राफर को बुलाया था, हर साल बुलाते हैं ताकि तक्ष के फोटोज़ निकाल सकें। यहाँ पे मस्ती चल रही है, मैं मम्मी कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और तक्ष ना फोटो खिंचवाने में बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से रेडी हो रहा था केक खाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मम्मी मेरे दुपट्टे को ठीक कर रही ताकि मेरा फेस भी आए। और काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, और इस वीडियो में भी अंधेरा अंधेरा काफ़ी लग रहा है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इसको क्लियर करूँ बट क्लियर नहीं हो रहा, जितना हो सका उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है क्लियर करके। तक्ष ने किसी को केक नहीं खिलाया, मैंने ही सबको केक खिला दिया थोड़ा थोड़ा करके। और इसके पापा भी उठ गए हैं, अब तक्ष को तक्ष की दादी केक खिलाएगी, मानता नहीं है लेकिन दादी का दिल बहुत बड़ा है तक्ष के। तक्ष की दादी चाह बहुत प्यार करती है, वैसे हर दादी अपने पोते को बहुत प्यार करती है, मैंने ये चीज़ देखा है। लेकिन तक्ष की दादी तो माशाल्लाह, ये ड्रेस जो पहन रखी है तक्ष ने ये भी इसकी दादी ने लाके दिया है, जितनी भी सजावट हुई है दादी ने किया है हर चीज़। केक बस इसके पापा लेके आए थे, बाकी सब कुछ इसकी दादी ने स्टार्ट किया है, फोटोग्राफर तक को दादी ने बुलाया है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, सब अपने अपने पिक्स खिंचवा रहे हैं अपने अपने पोज में। तो चलिए, आप लोग भी, आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ। मम्मी भी आ गई है मेरी, मेरी मम्मी भी कह रही है, मेरी मम्मी को काफ़ी ठंड लग रही थी उस दिन, और मम्मी भी बैठ गई है यहाँ। लिफाफा दे दिया मम्मी ने तक्ष को, पैसे मिल गए। तक्ष देख रहे हो कितनी जल्दी लिफाफा छीन रहा है, और फटाफट केक खा लिया तक्ष ने। तो बस यहाँ पे तक्ष के पास बहुत सारे गिफ्ट हो गए थे, बाद में हम लोग गिफ्ट भी खोलेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फोटोग्राफी देखते हैं कैसे कैसे खिंचवा रहे हैं सब मिलके। खाती हूँ खाने में क्या क्या बनाया। यहाँ बनी है चाप की, मलाई चाप वाली सब्जी जो कि बहुत टेस्टी और यमी होता है। और इसके साथ साथ बनाया है मटर पनीर जो कि हरियाणा में बहुत स्पेशल है, बनता ही बनता है, बर्थडे हो कुछ भी हो, यहाँ मटर पनीर बनी हुई है। इसके साथ साथ रायता बनाया था हमने, उसके साथ साथ पूड़ियाँ बन रही है, सारे पूड़ियाँ बेल रहे हैं, नहीं सॉरी पूड़ियाँ थोड़ी ही बनी थी, हमने रोटी बनाया था क्योंकि कई लोग बोल रहे थे हम ऑयली नहीं खाएंगे इसलिए। और यहाँ का सारा सजावट दिखा देती हूँ आपको, तो इस तरीके से कुछ हमने सजाया था तक्ष का बर्थडे का, तैयारी की थी, बहुत ही अच्छे से मन गया। मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे से बर्थडे मन जाएगा लेकिन बहुत ही अच्छे से मन गया। इसके बाद रात को हम 10 बजे तक्ष को लेकर मॉल भी गए थे क्योंकि उस दिन मॉल में बहुत सारे फंक्शन थे, क्योंकि 25 दिसंबर को हर साल मॉल में फंक्शन होते ही होते हैं। तो यहाँ आप तक्ष को देख सकते हैं कितना हीरो बनकर आया है। और यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ उन्हीं कपड़ों में, बर्थडे वाले कपड़ों में ही, थोड़ा बहुत घुमा दिया। बच्चे को ये रहता है कि बच्चे को, तक्ष को हमेशा ऐसा लगता है कि मॉल वगैरह देख के आऊँ कैसा है, अपने हर बर्थडे पे वो पहले मॉल आता है फिर हम बर्थडे प्रिपरेशन करते हैं।
लेकिन इस बार उल्टा हुआ। पहले बर्थडे प्रिपरेशन हुआ, बर्थडे मन भी गया, इसके बाद हम मॉल आए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे हमने तक्ष के साथ, तक्ष के पापा के साथ, और कई लोग भी फ़ोटो खींच रहे थे, देखिए तक्ष को। और काफ़ी अच्छा दिन होता है, क्रिसमस का दिन होता है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स होते हैं चारों ओर, सभी खुश दिखते हैं, सभी हंसते मुस्कुराते हुए रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे मॉल के अंदर। इस टाइम 11 बज रहे हैं और अभी अच्छा लगेगा आ गया है और तक सारे के सारे बर्थडे गिफ्ट्स को लेगा। अच्छा ठीक है, चलो सारे गिफ्ट खोलते हैं। और बर्थडे कैसा रहा आपका आज? आज मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। आज मेरे बर्थडे में मैंने केक खाया, ढोकला मिला मुझे, रसगुल्ले वहाँ के बहुत टेस्टी थे, आइसक्रीम जली वाली। हाँ, खाई थी। और जली आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अच्छा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था क्या? मम्मा को तो कुछ नहीं पता, मम्मा तो बिल्कुल पागल है। नींबू मिक्स कर रखा था। अच्छा ये सारे गिफ्ट तो यहीं पे मिले हैं तुमको, पूनम बुआ ने पापा ने दिए हैं। ठीक है, मेरा गिफ्ट तुम्हारा पेंडिंग है, वो कुछ सरप्राइज और बाद में मिलेंगे। और बाकी सारे के सारे गिफ्ट तुम्हारे दादी के घर छूट गए। अभी गाड़ी में इतना सामान नहीं आ सकता था, फिर कल लाएंगे। हाँ, रोते नहीं अच्छे बच्चे है ना। सॉक्स खोलो पहले, चलो अभी खोलते हैं फटाफट। गिफ्ट खोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तक्ष को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे निकालने के, मम्मा ये दोनों आप निकाल सकते हो, ताकि कि ये सारे गिफ्ट मैं खोल देता हूँ। अच्छा सॉक्स, सॉक्स ऐसे रखते हैं, दिखाओ क्या है फर्स्ट गिफ्ट में। फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया है? तकिया होगा। तकिया पिलो? नहीं चेक करो पहले, चेक तो करने तो तकिया ही होगा। नई जैकेट? हाँ देखो, दिखाओ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। वाओ कलर भी कितना अच्छा दिया है बुआ ने, दिखाओ मुझे, आप पहनोगे? ओके पूनम, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल ड्रेस तक्षु के लिए जो भेजा है आपने। और पता है बुआ घर पे भी नहीं आई, बर्थडे पे भी नहीं आई, लेकिन बुआ ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है आपको। और दिखाओ पूनम बुआ, मौसी का, पूनम बुआ का क्या गिफ्ट है? ओ माय गॉड, इसमें तो तीन तीन टी शर्ट है तक्ष, 3-1 ब्लू कलर, एक वन अलग अनदर एंड वन आपको ये वाला जैकेट, मतलब ये पूरी ड्रेस है आपकी, बहुत अच्छा है। थैंक यू पूनम। हमारा कल हम ज्यादा गिफ्ट खोलेंगे, आज हम आधा खोलेंगे, गाड़ी में पड़े हैं वो कल खोलेंगे। ठीक है, अभी जो गाड़ी में पड़े हैं वो खोलेंगे, अभी ये सब खोल देते हैं। हाँ ठीक है, अभी ये सब खोल लो, तो प्यार से खोलो। ओ वाओ ब्लैक बोर्ड, वाह तुम्हारे पास पहले भी ऑलरेडी था ना एक ब्लैक बोर्ड, इसको भी खोलना नहीं, ऐसे कैसे रख देना। ठीक है, हम निशिता को भी दे सकते हैं। वाह पूनम ने बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है तक्ष, पूनम वो ने ये भी दिया है, इसके अंदर आपके ब्लैक बोर्ड है, आपका चौक है, आपका पेंसिल है, आपका डेस्क है, रब करने वाला है। चलो चॉकलेट, ओ माय गॉड तक्ष की फेवरेट, इतने सारे चॉकलेट, हाउ मच टाइप ऑफ चॉकलेट तक्ष? डेरी मिल्क, स्निकर्स, डेरी मिल्क, फाइव स्टार, गैलेक्सी, और भी बहुत। बोलो जल्दी, अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू तो बोलो बुआ को। आए भी नहीं आप, फिर भी इतना सारा कुछ भेजा है बुआ ने, वाव। तक्ष ने तो खा भी लिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। पापा, अच्छा पापा ने दिया है ये, बहुत ही प्यारा। अब खोलो इसे। अरे खोलना क्यों है? खेलूंगा। अभी खेलोगे? रात को थोड़ा खेलोगे? इस वाले को खोल दो बनी, ये बहुत मन कर रहा है खेलने का। क्या होता है इससे? इसको मम्मा और आप दोनों खेल सकते हैं, इसमें बॉल्स होती हैं और ये दो हैं, मम्मा अभी ले लेगी एक आप, और हम आराम से खेलेंगे इसको। ठीक है, अभी साइड में रखो, अभी आपके पास खिलौना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एक भी खिलौना नहीं है आपके पास तो। हाँ। आप हमेशा यही बोलते हो। हाँ, अब है, फिर दो दिन बाद बोलोगे नहीं है। हाँ, ठीक है देखते हैं कब तक नहीं बोलते हो। और पापा ने ये दिया है, ये दिया है, अभी सारा खोलना क्यों है बेटा? और ये दिया, मामा का गिफ्ट पेंडिंग है, दादी ने बहुत सारी चीजें दी हैं, वो कल दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सबको, पूरी फैमिली अच्छी रही, अच्छा बनाया। थैंक यू, नानी,
नीलू मम्मी, पिंकी बुआ, दादा दादी, पापा मम्मा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए थैंक यू क्योंकि क्यों? क्योंकि मुझे गिफ्ट दिए। बस गिफ्ट दिए इसलिए थैंक यू। थैंक यू तो इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बर्थडे भी अच्छा वाला मेरा। और ना बच्चा किच्ची करिए किच्ची करिए किच्ची करिए। पापा मम्मा की तो हालत बहुत गंदी। तो अच्छा मनाया वेरी मच, थैंक यू, वेलकम। दादी आप बहुत अच्छे हो। अच्छा आपने मेरा बर्थडे अच्छा मनाया है। हर साल ऐसे मनाना, हर साल ऐसे मनाना दादी हैं। तुमको दादी ऐसी चाहिए ना हर साल? हाँ चाहिए, यही दादी चाहिए हर जीवन में। यहाँ पे छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने सोचा चलो मेरे पास व्लॉग मिल गया है तो आपके साथ शेयर कर दूं। तक्ष के बर्थडे का कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।